ये मेथड मैं आपको मेरे कंप्यूटर में करके दिखा रहा हूँ, ये आप अपना स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस लिंक में क्लिक करते ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रॉम डिवाइस से अपना फाइल चूज़ कर लेना है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। अभी देख सकते हो मेरा MP4 फाइल है, तो इसके साइड में जो ड्रॉप डाउन ऐड है यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर आप इसको ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक एक्सटेंशन सिलेक्ट कर लेना है आपको और वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी वीडियो में आप देख सकते हो ये जो मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट्स है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको वो एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं MKV में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अभी उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे कोडेक में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्क्रीन साइज, एस्पेक्ट रेशियो ये सब आप चेंज कर सकते हो। वीडियो फ्रेम रेट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो को ट्रिम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन दे सकते हो कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक आपको वीडियो ट्रिम करना है, तो आपका वीडियो ट्रिम हो जाएगा। और यहाँ पे रोटेट एंड फ्लिप सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हो आप। और यहाँ पे ऑडियो का भी सेटिंग्स है, आप ऑडियो का अगर वॉल्यूम ऑफ करना चाहते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अगर आप, मैं तो कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई सेटिंग्स में क्लिक करना है। मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। देन इसको कन्वर्ट टू MKV में क्लिक करते हैं। अभी डाउनलोड MKV में क्लिक करना है। डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अभी आप देख सकते हो कि ये MKV.MKV में डाउनलोड हो रहा है।